If you want to excel in maths and science, then do click on the link given in our description box and visit on the website of Infinity Learn by Sri Chaitanya and do enroll on our Don't Memorize course, which you can avail up to 90% discount. Here you can enhance your maths and science skills with the help of our conceptual videos, flashcards for quick revision, mock test as per latest pattern of your exams with 24/7 doubt clearance sessions with the facility of masterclass. To get extra 10% discount in addition, you can use our coupon code, that is NT10. So for more details, check out the link given in our description box. हेलो फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आइसोटोप्स होता क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला आज का अपना टॉपिक लेते हैं आइसोटोप्स। सो व्हाट डू वी मीन बाय आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आपका डिफाइन किए जा सकते हैं एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। याद रखिएगा, एलिमेंट सेम होगा और उसके डिफरेंट एटम्स होंगे यहाँ पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि उनका जो आपको एटॉमिक नंबर देखने के लिए मिलेगा वो होगा यहाँ पे सेम, बट जो इनका मास नंबर होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा डिफरेंट। तो चलिए इसको समझने के लिए और अच्छे से विस्तार से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड पोटेशियम के। आज हाइड्रोजन में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके मेनली तीन आइसोटोप्स होते हैं। सो याद रखिएगा, ये जो आपको ऊपर नंबर आपका देखने के लिए मिलेगा ये है आपका मास नंबर और नीचे है आपका एटॉमिक नंबर। एज यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन आइसोटोप्स हैं, बट इनके नीचे तीनों में एटॉमिक नंबर सेम आते हैं और मास नंबर तीनों में ही डिफरेंट है। वहीं पे बात की जाए कार्बन की, तो कार्बन में भी ऐसा ही है, मास नंबर 12, 13, 14 है बट एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 देखने के लिए मिलेगा। क्लोरीन में भी दो आपके आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें आपका एटॉमिक नंबर जो है वो तो 17 होता है बट मास नंबर एक का 35 और दूसरे का 37 होता है। आप ये दो एग्जांपल और यूज कर सकते हैं जो कि है ऑक्सीजन एंड पोटेशियम का। सो अब बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स की। सो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर के बारे में। एज हाइड्रोजन जो होता है उसमें आपको तीन आइसोटोप्स मिलते हैं। पहला होता है आपका प्रोटियम, दूसरा है आपका ड्यूटेरियम एंड तीसरा होता है ट्रिटियम। एज इन सभी का एटॉमिक नंबर जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो होगा सेम, बट इनका मास नंबर डिफरेंट होगा, जो कि होंगे 1, 2 एंड 3। आइसोटोप्स जो होते हैं डिफर करते हैं सिर्फ आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, एज जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो करीब सेम होते हैं। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका प्रोटियम होता है उसमें एक भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। इसमें हमारी जो ऊपर वैल्यू होती है जो कि मास नंबर होती है वो भी 1 होता है, देन हाइड्रोजन एंड देन इसका एटॉमिक नंबर जो कि 1 होता है। बात की जाए आपके ड्यूटेरियम की, सो इसमें आपका जो सिंबल होता है मास नंबर 2 आ जाता है हाइड्रोजन एंड इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। एंड ट्रिटियम में आपका जो होता है इसमें हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 3 आ जाता है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके जो मास नंबर हैं वो के डिफरेंट होते हैं 1, 2, 3। एंड जो ये आपका एटॉमिक नंबर है इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, दैट मीन्स जो ये नीचे नंबर आ रहा है इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, एंड ये जो ऊपर नंबर आ रहा है जो कि हमारा मास नंबर होता है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट नाम से डिनोट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में। आज जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसके अंदर हमें तीन आइसोटोप्स मिलते हैं जिसका मास नंबर होता है 12, 13 एंड 14, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपके इस सिंबल के तहत। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जो ऊपर की वैल्यू होती है आपकी, ये जो 12 है ये होता है आपका मास नंबर, नीचे की जो वैल्यूज होती है ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। जो आपका मास नंबर होता है इसको हम सुपर स्क्रिप्ट नाम से डिनोट करते हैं और ये जो नीचे होता है इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मौजूद होता है कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एंड जो आपको तीन आइसोटोप्स मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं जिसका मास नंबर होता है 12, 13 एंड 14, एंड इनका तीनों का ही एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। तो इसमें आपकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आपको देखने के लिए मिलती है कि वो सिमिलर है। जैसा कि आइसोटोप्स जो होते हैं उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका सेम होता है, उसी वजह से जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो तो सेम हो जाते हैं बट आपका न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं इन नंबर, जिसकी वजह से आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है वो भी सेम आता है यहाँ पे। और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है उसी वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं
उसको भी यहाँ पे सेम कहा गया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है नियॉन का। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं नियॉन के अंदर जो आपके आइसोटोप्स होते हैं वो तीन होते हैं, 20, 21 एंड 22। बट यहाँ पे प्रोटॉन्स अगर आप देखेंगे वो आपको सेम मिलते हैं जो कि होते हैं 10। न्यूट्रॉन्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे डिफरेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम मिलेंगे। तो वही हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि आपके जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उनका नंबर होता है वो सेम होता है, बट न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम मानी जाती हैं, क्योंकि इससे जो वैलेंसी आती है आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है वो भी सेम होती है, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके कुछ अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। अब आपके रेडियो आइसोटोप्स कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आप मान सकते हैं यूरेनियम के बारे में आपने पढ़ा है, थोरियम के बारे में आपने पढ़ा है, तो वो होते हैं आपके रेडियो आइसोटोप्स। ये स्पॉन्टेनियसली डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो ये खुद ब खुद ब्रेक डाउन होते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इनके डिके और ब्रेक डाउन होने की उसको कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा बेसिकली तीन तरीके की रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं या डायग्राम में। अल्फा रेज जो होती हैं वो आपकी ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर जाती हैं, गामा रेज जो होती हैं वो सीधे ट्रैवल करती हैं, और वहीं पे बात की जाए बीटा रेज की तो वो आपकी डाउनवर्ड्स के लिए ट्रैवल करती हैं। तो चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप जो होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफर कर जाते हैं, सच एज डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। एज आपको देखने के लिए मिलेगा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेनली एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। एटॉमिक मास का मतलब हो गया आपका मास नंबर। एंड आइसोटोप्स जो होते हैं उनका जो मास नंबर होता है वो तो डिफरेंट होता है, और ये जो डिफरेंट होता है मास नंबर उसकी मेन वजह क्या है, उसका मेन वजह है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं द हायर द मास ऑफ द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, जितना ज्यादा हायर होगा मास एक आइसोटोप का एलिमेंट के अंदर तो उसका उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्रोटियम में 20.38 है और वहीं पे ड्यूटेरियम में 23.5 के है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आइसोटोप्स के बारे में सारी ही जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। सो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही मजेदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।